जिस बच्चे का ना सुनने का मसल क्रिएट नहीं हुआ होता, जब लाइफ कभी उसको कुछ ऐसी चीज़ देती है जो उसको नहीं चाहिए, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इट्स लाइक ये हाथ कभी बेंड ही नहीं किया और 25 साल के बाद सडनली बेंड किया, तो ये आराम से बेंड हो जाएगा क्या? बहुत दर्द होता है। इसीलिए छोटा सा रिजेक्शन, छोटा सा फेलियर, कहेंगे आई एम डिप्रेस्ड। आई एम डिप्रेस्ड मतलब मुझे दर्द हो रहा है। और फिर पेरेंट कहता है ये कोई बात है डिप्रेस्ड होने की? वो बात हमें छोटी लग रही है, लेकिन उनके लिए वो बात बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका वो बेंड हुआ ही नहीं था। लेकिन तब तक वो 25 साल बीत चुके हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम तो फिर भी उनके लिए कुछ कुछ कर देंगे, लेकिन उनका स्पाउस वो सब करेगा? तो जब दो लोगों की आज शादी हो रही है, दोनों बिना ना सुने हुए शादी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की परवरिश उस तरह से हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, अगर हाँ जी हाँ जी करके परवरिश की, तो फिर अपने बच्चे के लिए स्पाउस भी वैसा ही ढूंढना जो हाँ जी करे हर बात के लिए। अदरवाइज इट्स वेरी पेनफुल फॉर योर चाइल्ड। बहुत दर्द होता है, और उस दर्द के जिम्मेवार बेंड ही नहीं किया, उसको बोला खड़े रहो हम सब कुछ लाके देंगे। दैट इज वॉट वी आर डूइंग टू देम। फ्रजाइल फ्रजाइल, कमजोर बना रहे हैं उनको। इतना प्रोटेक्टेड नहीं, इनको कुछ चोट ही नहीं लगनी चाहिए, तो गिरने नहीं चाहिए, इनको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, परफेक्ट। क्या जीवन बिना चोट लगे होती है? चोट मतलब क्या? समथिंग नॉट माई वे। लेकिन फिर कितना दर्द होता है, कितना चीखते हैं, तो इसके जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार कौन? लेकिन वो डिसिप्लिन 20 साल की एज में नहीं किया जाता, वो डिसिप्लिन 2 साल की एज से स्टार्ट करना पड़ता है। ना सुनने की आदत डालिए, झुकने की उनको आदत डालिए। जो निर्णय उनके लिए लिया जाए वो उनको मानना होगा, नहीं तो वो सीधा ऐसे बोलते हम क्यों करें ऐसा? क्यों मतलब? हमने बोला इसलिए। वो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट खत्म होने से नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? किसका होगा? उनका होगा, क्योंकि सडनली दे के नॉट डू इट। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने घर में वापस वो परवरिश, वापस वो संस्कार, वापस वो मर्यादाएं, वो है हमारा धर्म। उस धर्म को अपने कर्म में लेकर आना है। कहीं से कुछ सुनकर, गूगल पे जाके कोई और पेरेंटिंग का स्टाइल ढूंढकर, जो हम गूगल से लेकर आएंगे वो अलग संस्कृतियों की परवरिश है। फिर उनका रिजल्ट भी हमारे से अलग है। राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं हो रही है, अलग है। हम अभी परवरिश ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें परिवार वैसे वाला चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता। तो हमारी संस्कृति बहुत रिच है। उस संस्कृति को और उस मर्यादाओं को वापस अपने संस्कारों में लेकर आना है। दूसरी चीज़ों के प्रभाव की वजह से अपनी मर्यादा की लाइन से बाहर नहीं जाना। मर्यादा की लाइन ही हमारी प्रोटेक्शन होती है। लेकिन एक दूसरे को देखा देखी, संग के रंग का असर, बट वो कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हो, हमारा क्राइटेरिया वो होना चाहिए कि आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी, आंतरिक शक्ति कैसे बढ़ेगी। नहीं तो सब कुछ होगा उनके पास, एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। लेकिन अगर एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय है, लेकिन एक स्ट्रांग माइंड नहीं है, तो आपको लगता है कि वो हैप्पी रह सकेंगे लाइफ में? छोटे छोटे बच्चे आजकल कहते हैं बहुत एंग्जाइटी है, बहुत एंग्जाइटी है, वर्ड भी नहीं पता उनको अभी तक ठीक से है, बिकॉज बट दे कैन फील दैट एनर्जी। उनको अनकंफर्टेबल एनर्जी फील होती है। तो आप सोचो कि 25 साल बाद जब वो बिजनेस करेंगे, रिश्ते निभाएंगे, वो जो आज एंग्जाइटी बोल रहे हैं, वो तब कौन सा वर्ड बोलेंगे? एंड अभी हम उनको सिर्फ देख रहे हैं और फिर भी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। तो सिंपल चीज़ें हैं, अपने घर में, परिवार में वापस वो चीज़ें लेकर आनी है
जो हिस्ट्री नहीं है, जो अपने बचपन की है, क्योंकि हम ही वो लास्ट जेनरेशन है जिसको वो याद है, उनको तो वो पता ही नहीं है, तो वो कैसे लेकर आएंगे उसको? हमें वापस वो लेकर आनी है, वो सुबह के दिन की शुरुआत। सुबह के दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? सुबह के दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? ज्ञान से होनी चाहिए, ध्यान से होनी चाहिए, तपस्या से होनी चाहिए, साधना से होनी चाहिए। तब सुबह सुबह आत्मा की शक्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। सुबह सुबह उठ के पहले फोन देखा, फिर न्यूज़पेपर उठाया और टीवी ऑन किया, तो सारे सहज तरीके हैं आत्मा की शक्ति को क्या करने के लिए? डाउन करने के लिए। दिन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है।